नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कंज्यूमर इज किंग में आज हम बात कर रहे हैं कैसे आपके पैन के गलत इस्तेमाल से आपका सिबिल स्कोर, जी हाँ, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, वो ख़राब हो सकता है। हाल ही में एक वाक्य आपको बताते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सनी लियोनी और राजकुमार राव से जुड़ा ये वाक्य है, जिन्होंने फ्रॉड के इस नए तरीके की ओर सभी का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में दोनों ने एक के बाद एक ट्वीट करके बताया कि किसी जालसाज ने उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके उनके नाम पर लोन निकाल लिया, जिसके चलते उनका सिबिल स्कोर, जी हाँ, वो ख़राब हो गया। राजकुमार राव और सनी लियोनी के साथ हुए इस फ्रॉड का पता सिबिल यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से मिले मैसेज से चला है। यानी सनी लियोनी के नाम पर लगभग 2000 और राजकुमार राव के नाम पर 2500 के लोन लिए गए की जानकारी SMS उनको आया है और पता चला है। और लोन की इस रकम उनके लिए मामूली हालांकि ज़रूर थी, लेकिन इसके चलते उनका सिबिल स्कोर खराब हो चुका था। खैर, बाद में सिबिल ने उनका स्कोर सुधारने का वादा किया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से के जो जानकार हैं, ऐसी घटनाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है ऐसी रिपोर्ट करते हैं, और लोगों के पैन और आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके उन्हें फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है। ये तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं, खासकर फिनटेक ऐप्स के जरिए ऐसे फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन हासिल किया जा सकता है और उसके डिफ़ॉल्ट होने पर आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो सकता है। तो आज कंज्यूमर इज किंग में हम इस खास पेशकश में इसी से बात करेंगे, सिबिल बेहाल पैन संभाल। और इस खास चर्चा में हमारे कुछ मेन सवाल भी हैं जो हम शो पर उठा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने पैन के गलत इस्तेमाल को रोकें, कैसे अपना सिबिल स्कोर ख़राब होने से बचाएं, पैन से होने वाले लोन फ्रॉड से कैसे बचा जाए और फ्रॉड का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। हमारे साथ rectifycredit.com की फाउंडर डायरेक्टर अपर्णा रामचंद्र हैं, बैंक बाजार के चीफ बिजनेस ऑफिसर पंकज बंसल और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के फाउंडर एंड डायरेक्टर रितेश भाटिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। रितेश, राजकुमार राव और सनी लियोनी भी इस फ्रॉड से नहीं बच पाए, उनके नाम पर लोन निकाल लिया गया और इसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर, जिसको आमतौर पे लोग जानते हैं, वो ख़राब हुआ है। मुझे इस घटना की टेक्निकलिटीज़ में जाना है, एक फ्रॉडस्टर किस तरह से ये कर पाता है, मुझे ये बताएं। सो कविता, वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कविता, इसमें कैसे रहता है ना, फ्रॉडस्टर्स कई बहुत सारे अलग अलग तरीकों से वो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड वो ले लेते हैं और ऐसे में जाके वो बैंक्स में लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। और पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इनके पास ये सब कैसे आते हैं। एक मीडियम होता है जब हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं। जब फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो हम एक कॉपी मांगते हैं। कोई कोई फोटोकॉपीज क्या करते हैं, उसकी 2-5 वगैरह ऐसी कॉपीज निकाल लेते हैं, स्पेशली अगर वो आधार हो, कोई भी KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो। और ये मार्केट में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया पर फोटोकॉपी ऐसा ये बिकता है। तो मतलब जाहिर सी बात है, ये बहुत एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है इनके लिए। फिर दूसरा जो है, कभी कभी हम जैसे एक लोन ऐप इंस्टॉल कर डालते हैं या और भी कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, आपके मेरे शायद बहुत सारे लोगों के गैलरी में ही हमारा पैन कार्ड या आधार का एक फोटोग्राफ रहता है, क्योंकि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो हम वो दिखा देते हैं। इससे कैसे बचने का वो मैं आपको बताऊंगा। भले आप रखिए आपके फोन पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोन पे नहीं होना चाहिए, आप रखिए, लेकिन कैसे रखेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा। तो अभी जैसे बहुत सारे ऐप्स को आपका एक्सेस मिल गया, आपकी पर्सनल फोटोज का और ये आपकी ये वाली पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स का भी, आधार पैन, और ये लेके वो छोटी छोटी जो लोन कंपनीज होती है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये लोन अमाउंट बहुत छोटा है, 2000-2500, उस हिसाब से ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो RBI के अंडर नहीं है, उनपे कोई रेगुलेशंस नहीं है, वो ये माइक्रो लोन्स डिस्पर्स करते। तो वहां पे
पे ये लोग उतना केवाईसी वगैरह कुछ चेक नहीं करते, उनको एक पैन नंबर दिख गया बस उन्होंने कर लिया, वो ना फोटो चेक करते हैं, ना एड्रेस चेक करते हैं, ना नाम चेक करते हैं। तो उस हिसाब से आपका जाके ये बहुत सारा ज्यादा मिसयूज हो रहा है। कविता, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और बारीकी में मैं जाऊंगी, मैं आपसे समझूंगी कि कैसे जब आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपको एक परमिशन का आइकन आता है या एक पॉपअप आता है जो आपको क्लिक या अनक्लिक करना होता है। जब भी आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप उस ऐप को आपकी निजी जानकारी डाउनलोड करने की परमिशन देते हैं। कैसे इससे बचा जाए आगे चलकर हम समझेंगे रितेश से, लेकिन अपर्णा यहाँ मुझे विस्तार से बताएंगी कि जब भी आप लोन लेते हैं या जब भी आप इस तरह किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स होती है वो तरह तरह के लोगों के पास जाती है, बैंक के पास जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि अगर आपने एक बार लोन किया अप्लाई किया है तो आपको तमाम बैंक्स जो हैं वो लोन के ऑफर्स या क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं। समझदारी से अपनी डिटेल्स जब आपको फिल करनी हो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए तो कैसे करना चाहिए, इसमें क्या किसी भी तरह की प्राइवेसी गोपनीयता जो है आप रख सकते हैं अपना, कि ये जानकारी एक बार अगर आपने किसी को दे दी तब तो वो आगे ही बढ़ती गई। थैंक यू कविता। प्रैक्टिकल ये है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट करते हो जैसे आपने बताया, उसके बाद आपके वो कंट्रोल में नहीं है, वो कैसे मिसयूज होता है, दैट वो रियलिटी है। लेकिन हम आमतौर पे यही सुझाव देते हैं लोगों को कि जब आप केवाईसी देते हो जैसे कि पैन कार्ड देते हो या आधार का फोटोकॉपी देते हो तो उसके ऊपर आप बहुत बोल्ड लेटर्स में आप लिख सकते हो कि दिस इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने ये होम लोन के लिए लिया है तो आप उसमें लिख सकते हो कि ये सिर्फ इसके लिए यूज कर सकते हो एंड नथिंग एल्स। सो दीज आर फ्यू वेरी सिंपल थिंग्स, बट इसके ऊपर सच बात बताएं तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है। जो हमारे पास कंट्रोल में है, जो हम केयरफुल मतलब प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो ये है कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हैं बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी केयरफुल आप कौन से ऐप से क्या डेटा शेयर कर रहे हो। एंड सेकेंडली व्हाट आई रियली अप्रिशिएट ये राजकुमार राव और सनी लियोन के पास इज, दो वो रकम बहुत छोटे थे, उनको SMS आया और उनका ध्यान उधर फट से गया कि somebody has misused और उन्होंने तुरंत ही उसका प्रोएक्टिवली एक्शन लिया। कई बारी हम देखते हैं कि हम बैठे रहते कहीं पे कुछ SMS आया, 500 रुपया 100 रुपया पता नहीं क्या है, घर वालों ने कुछ किया रहेगा, बाद में देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे केयरलेसनेस में ही आधा अपना मतलब साइबर फ्रॉड में फंसते हैं। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज पहले आपको बेसिकली बहुत विजिलेंट होना चाहिए कि और आज के तारीख में जैसे पैन है, आधार है, कोई बैंक का ट्रांजेक्शन है, 99% ऑफ देम आर आपको एक OTP आता है, आपको वो एक कंफर्मेशन आता है। तो ऐसा कुछ भी आपको SMS आए जहां पे ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया हो तो तुरंत आप उसको नोटिस में कंसर्न अथॉरिटीज के लाए। सेकेंडली इक्वली इंपॉर्टेंट, ये तो सेलिब्रिटीज थे, इन्होंने ट्वीट कर दिया और इनको सिबिल ने तुरंत जवाब भी दे दिया। हम और आप ट्वीट करेंगे उसका जरूरी नहीं कि इतना ही तुरंत हमको कोई रिएक्शन मिले या रेस्पॉन्स मिले। सच बात ये है कि हमको जो है लिखित रूप से ये कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। अगर आपका ये बात छोटी मतलब रकम छोटा हो बड़ा हो, पहले आप लिखित रूप में इसका एक कंप्लेंट दर्ज करो एंड देन उसमें आप सिस्टमैटिकली पॉइंट्स लिखो कि क्या क्या हुआ, कैसे आपको पता चला और उसका आपको क्या सोल्यूशन चाहिए। आप सिर्फ बता के छोड़ देंगे उसके भी कोई मतलब नहीं, तो इसका क्या सोल्यूशन चाहिए वो भी आप सुझाव उनको दे के फिर आप उसको एंड कर सकते हो। तो रिटर्न कंप्लेंट इज मैंडेटरी एंड तभी जाके आगे आप मतलब उसको आप फॉलो अप करके प्रॉपरली क्लोज भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब इस पूरे वाक्या के उस एंगल पर मैं आना चाहूँगी जहाँ पर ये बात सामने आई है कि सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है। पंकज विस्तार से इसके बारे में हमको बताएंगे। पंकज, क्लियरली यहाँ पर आपका जो क्रेडिट बिहेवियर होता है वो तमाम तरह की आपकी क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो दिखाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर ख़राब होने की बात निकल कर आई है जिसको हाईलाइट किया गया है राजकुमार राव और सनी लियोनी के ज़रिए। मुझे ये बताएं कि
किस तरह से आपका क्रेडिट स्कोर खड़ा होता है और कैसे इस तरह के फ्रॉड्स के जरिए आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, क्रेडिट स्कोर खराब होता है और आगे चलकर आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो खराब हो सकती है? जी कविता जी, तो मैं आपको आई थिंक इस पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। अगर सपोज करिए कि किसी ने आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करके एक पैन कार्ड ले लिया, तो नेट बैंकिंग तो उस बंदे का है, तो लोन आपने किसी और इंसान ने ले लिया है और वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहा है। सो क्या हुआ, राजकुमार राव जी के क्रेडिट रिपोर्ट में उसका लोन दिख रहा है और वो लोन का रिपेमेंट आ नहीं रहा है उनके अकाउंट में। तो जब भी आप किसी भी चीज का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली। तो जैसे उन्होंने ईएमआई नहीं भरी एक दो तीन, तो उनका पूरा क्रेडिट स्कोर खराब होने लग जाएगा और वहां पे वो स्कोर गिरता 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 उनको एक डेलिंक्वेंट उसमें लेके जाएगा बकेट में। जब वो कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो वहां पे उनको ऑब्वियसली बैंक डिक्लाइन कर देगा। बैंक को तो पता नहीं है कि कोई आइडेंटिटी थ्रेफ्ट हुआ है, किसी और इंसान ने लोन लिया, बट लोन उनके क्रेडिट स्कोर पे दिख रहा है और क्रेडिट रिपोर्ट पे दिख रहा है। तो उसकी दो चीजें बहुत ही सिंपल सी मैं बताना चाहूंगा जो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो अपना जी ने बोला कि कंप्लेंट आप फाइल करें विद दी अथॉरिटीज जो डिसबर्सल कर रहा है उसके, और ऑब्वियसली सिबिल या एक्सपीरियन दोनों एंटिटीज को आपको जो भी आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे हैं उनको भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये हमारा लोन नहीं था। एक तो वो तरीका है। दूसरा एक चीज मैं अवेयरनेस के लिए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज और करनी चाहिए, हर महीने अपना क्रेडिट स्कोर आज की डेट में आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। काफी कंपनीज ने अपने क्रेडिट के स्कोर्स के लिए आपका वेबसाइट्स है, मेजॉरिटी डिजिटल बड़ी बड़ी कंपनीज चाहे वो पैसा बाजार हो, बैंक बाजार हो, पेटीएम हो, काफी अपना फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करने को आपको एक ऑप्शन देती है और क्रेडिट रिपोर्ट भी देती है जो आपसे बिल एक्सपीरियंस वगैरह क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। तो कभी भी एक ऐसा चीज आए तो हर महीना दो महीना में वो रिपोर्ट्स रेगुलर आपको आती रहती है ईमेल्स पे भी, आप उसको चेक करिए। कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा फिशी आ रहा है जिसमें आपने वो लोन नहीं लिया है, लेकिन आपके वहाँ पे या तो ट्रांजेक्शन दिख रहा है लोन का या कोई इंक्वायरी भी दिख रही है, इन सम केसेस इंक्वायरी भी रिपोर्ट होती है, तो आप तुरंत ही अपने किसी भी सिबिल या एक्सपीरियंस जहाँ पे भी है वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट करिए और उनको बोलिए कि इंक्वायरी क्योंकि मैंने नहीं करी है इसको रिवर्स किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जितना आपका आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा, आपका डिजिटल लोन्स आपको मिल रहे हैं, ऑटो ले लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, कार्ड्स ले लीजिए, सब डिजिटली जा रहा है और कोविड 19 के बाद तो बिहेवियर काफी डिजिटल हो गया, घर से लोग काम कर रहे हैं, डेटा घर से भेज रहे हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जब हमने ग्लोबली देखा है कि काफी रेट्स ऑन द आइडेंटिटी थेफ्ट बढ़ गए हैं, इंडिया में भी काफी लोग प्रोन हो गए हैं बिकॉज डिजिटल इकोनॉमी इज बूमिंग, मतलब काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इसका एक साइड इफेक्ट है, बट मेरा एक सजेशन दर्शकों को यही है कि अवेयरनेस अगर वो लेके चलेंगे तो काफी चीजों को वो मिटिगेट कर सकते हैं और उनको इस तरह का चीजें देखने को नहीं मिलेंगे और सही टाइम पर रिपोर्ट करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपना जी ने बोला। बिल्कुल नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा सा अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं और अब डैमेज कंट्रोल या इस तरह की फ्रॉड वाली जो वारदात है, जो वाकया है, वो आपके साथ ना हो, कैसे हमें इसको सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए? रितेश, यहाँ पे बात हो रही है हमारे पैन कार्ड की, हमारे आधार कार्ड की, जिससे हमारी तमाम फाइनेंशियल स्टैंडिंग एक तरह से लिंक्ड है। ठीक है, हम देखते हैं लगातार लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो हैक होते रहते हैं, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि आपके जो बैंक के खाते हैं उनमें भी हैकिंग को लेकर तमाम शिकायतें अब दर्ज होती हुई जा रही है। अब इस तरह के जो फ्रॉड SMS आ रहे हैं ये तो सीधा सीधा आपके पैन नंबर को ही कॉपी कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग की प्राइवेसी हम कैसे इंश्योर करें, हम कैसे ये बात सुनिश्चित करें कि ये तमाम जानकारियां लीक नहीं हो रही होनी चाहिए, हमारे लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो कविता, पहले सारा काम हमने ही क्यों करना चाहिए? जब भी कुछ इश्यू होता है हमेशा विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, हमें बस सीख देते बैठिए, हमें बोलिए अवेयरनेस रखने के लिए, हमें कहिए ये करने के लिए, हमें कहिए वो करने के लिए। आपका शो का नाम है कंज्यूमर इज किंग, तो किस हिसाब से किंग हुए हैं हम? तो बात ये है कि बाकी लोग जो, अगर डिजिटल पुश हमने तो नहीं मांगा है, जिसने मांगा है तो उन्होंने तो हमको सिक्योर करना चाहिए। अभी हम आप राजकुमार राव और सनी लियोनी की वगैरह हम बात कर रहे हैं, अभी वो जिस लोन ऐप के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है उस पर क्या एक्शन है, वो बोले खुलेआम वो लोग ट्विटर को बता रहे हैं, RBI को बता रहे हैं, ट्विटर पे RBI को बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को टैग कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को, IPS ऑफिसर्स को टैग कर रहे हैं, तो उनपे क्या एक्शन लिया जा रहा है जो बरोबर KYC नहीं कर रहा है? जब देखो, मतलब हर कोई भी क्राइम हो, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल क्राइम या साइबर हैरेसमेंट हो, कुछ भी हो, मतलब हमेशा विक्टिम को ब्लेम किया जाए, उसी को अवेयरनेस देनी चाहिए।
ठीक है, ये एक बात हो गई। मेरे हिसाब से जिसको इतना डिजिटल पुश अगर आगे करना ही है तो प्लीज आप भी कुछ कीजिए, आप भी कुछ कीजिए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हमारा ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए आप कुछ कीजिए, कोई नोडल ऑफिसर हो जिससे हम फोन पे बात कर सके। ये नहीं कि हम खाली ईमेल करते बैठे, खाली जो जाके अगर सेलेब्स जाके ट्विटर पे डालते तो उनका काम होता है, बाकी नॉर्मल सिटीजन के लिए क्या होएगा। सो दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ये इस बात को ये समझना चाहिए। अभी रहा हमारे साइड से हमने क्या करना चाहिए, आधार पैन वगैरह जैसे चीजें के लिए गवर्नमेंट कहेगा मैंने आपको एक डिजी लॉकर करके एक ऐप प्रोवाइड किया है जो काफी सिक्योर है, तो ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, आप डिजिटल पुश कर रहे हो तो साथ में उतना भी पुश कीजिए ना कि ताकि लोगों को मालूम पड़े कि डिजी लॉकर क्या है और आपका आधार और पैन इसमें सेव होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर आपके 90% दर्शकों को नहीं पता रहेगा कि ये गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक डिजी लॉकर बहुत ही मस्त ऐप है, काफी सिक्योर है, तो हमने एक वो यूज करना चाहिए ताकि हमारा आधार पैन वगैरह उसी के अंदर हो। और ये बहुत सिंपल से चीज है, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो किधर भी जा रहे हो उन्होंने को बोलना चाहिए नहीं अगर आपको आधार या पैन दिखाना है डिजी लॉकर से दिखाइए। एक इस हिसाब से सबको पता भी चलेगा कि डिजी लॉकर क्या है, गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया हुआ है एंड इट इज और ये काफी सिक्योर है। तो ये चीजें हमको एक ध्यान देनी है। दूसरा है जो भी एप्स आपकी गैलरी का परमिशन मांगता है मेरे हिसाब से वो ऐप नहीं हो तो वो बेटर है, आप ना बोल सकते हो एंड यू कैन प्रोसीड। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम जब भी डिसएग्री करते तो ऐप आगे इंस्टॉल नहीं होता है, मत इंस्टॉल कीजिए, बॉयकॉट कीजिए ऐसे ऐप्स को, क्योंकि सारे एक्टिविस्ट पहले ये कर रहे थे। इसके लिए अभी बहुत सारे ऐप्स वगैरह जो कंपनीज है वो बोल रही है ओके अलाउ ओनली वाइल यूजिंग, तो हम एटलीस्ट यहां तक तो पहुंच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बस सिर्फ ये दो चीजें की जाए काफी है। जैसे मैडम ने भी कहा कि आप जब देते हैं तो आप उसमें बोल्ड लिंक डालिए, काफी सारे लोग क्रॉस मारते हैं आजू बाजू के एरियाज में, लेकिन बात वही होती है जब उनको मिल जाता है वो दूसरा उसके ऊपर व्हाइट पेपर लेते हैं, एक और जेरोक्स ले लेते हैं और वापस पूरा कोरा उनको पैन कार्ड का जेरोक्स मिल जाता है। लेकिन साइबर की दुनिया में एटलीस्ट आप इन दो चीजों का ध्यान दे सकते हैं। कविता बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना बहुत सारी, मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर ही जा रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी वहां पर स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज हमने देखा है महामारी के दौरान हमने सब कुछ लगभग ऑनलाइन ही किया है और ऐसे में लोगों की बहुत सारी बैंकिंग डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स वेबसाइट्स पर सेव होती हैं अपना, और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स सेव होना तो बहुत आम बात है, इससे भी हमको बचना चाहिए क्या? बहुत मतलब ये आई वॉज जस्ट होपिंग कि आप ये सवाल उठाए। ये मेरे ख्याल से लार्जली जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स बोलिए या फाइनेंशियल इश्यूज में जो फंसते हैं 99.99 इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन लेजीनेस। आपको सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा हर बार आपका क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स एंटर करने को, उधर सेव करके रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसे बड़े ये नहीं है जो हमेशा कोई फ्लाइट पकड़ने की देरी होती है, मतलब रश में रहते हैं या कुछ, यू नो वी डोंट हैव टाइम। तो ये क्या है, ये जस्ट बेसिक लेजीनेस है। जहां पे भी जो वेबसाइट में जब जैसे उन्होंने कहा कि यू नो वेयर दे आस्क यू गैलरी परमिशन, वैसे ही जहां पे आपको पूछते हैं कि कैन वी सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जस्ट से नो। ये कोई बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, इट इज नॉट लाइक द फोमो वाली एटीट्यूड कि मेरे क्रेडिट कार्ड्स 10 वेबसाइट में सेव्ड नहीं है। आप प्लीज डेटा सेव मत कीजिए, जहां जितना हो सकता है ये सारे तरीके हैं जहां पे आप खुद को सेव कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में बाकी सब हम आगे बढ़ रहे हैं बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल प्राइवेसी, when it comes to data privacy, जैसे उन्होंने कहा grievance redressal, ये सारी चीजें हम अभी उस दिशा में अभी हम बात भी नहीं कर रहे, एक्शन लेना दूर की बात, हम अभी बात भी नहीं कर रहे। तो अगर आप कहीं कुछ फंसते हो तो सारा जो जिम्मेदारी है उसको you know to a to prove your innocence, b to go through that whole rigmarole, aapko FIR darj karo, aaj aao kal aao parso aao, ye idhar likho udhar likho, bahut sare email IDs mein jawab bhi nahi milte hain, to ye sari jo cheeze hain ye kafi time consuming hai, mentally exhausting hai, to udhar fasne se acha
ये जो तीन चार चीजें हम खुद कर सकते हैं वो करना चाहिए। और मेरे हिसाब से, बिफोर आई मीन यू प्रोसीड, मेरे हिसाब से आज के तारीख में इंडिया में चार क्रेडिट ब्यूरोज है, सिबिल है, क्रिफ आईमार्क है, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है। आरबीआई ने ये मैंडेटरी बताया है, हर एक साल में एक ब्यूरो एक इंडिविजुअल को फ्री रिपोर्ट देना चाहिए, सो यू डोंट हैव टू इवन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा आपका 150% सिक्योर है, ये डेटा बाजार में बिकाऊ नहीं है। तो आप हर क्वार्टर चाहिए तो एक ब्यूरो से आप अपना रिपोर्ट पुल कर सकते हो, खुद का रिपोर्ट, ये एनक्वायरी भी नहीं माना जाएगा और आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। अगर कोई गलत चीज हुआ है, गलत लोन लिया गया है, या आपका कोई चीज अपडेट नहीं है, या आपके जो लोन्स आपने मांगे नहीं थे उसके बारे में भी वहां पे इंक्वायरीज है, भले इंक्वायरी ना निकले बट आप एटलीस्ट सिस्टम में इस इश्यू को रेस कर सकते हो, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो आपको ये जो ऑनलाइन जो बिल्कुल फ्री क्रेडिट रिपोर्ट है वहां पे ना जाए, ब्यूरो के पास अपना एब्सोल्युटली रिपोर्ट खुद निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में आपका जो क्रेडिट हंग्री बिहेवियर है ना, वो भी कहीं ना कहीं अगर पकड़ में आ जाए तो हैकर्स को इसके बारे में पता चल सकता है और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पंकज से समझते हैं, पंकज, क्रेडिट हंग्री बिहेवियर होता क्या है और कैसे आसानी से जो हैकर्स होते हैं या जो जालसाज होते हैं वो ये पकड़ पाते हैं? सो क्रेडिट हंग्री बिहेवियर, कविता जी, कैसा रहता है कि जैसे अगर मैंने आज कोई लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल लोकेशंस पे अपना लोन अप्लाई करता हूँ, तो ये सिस्टम में आपको पॉपअप होता है इंक्वायरीज के तौर पे, तो आपको एक आइडिया रहता है कि भाई ये बंदा अलग अलग जगहों पे लोन अप्लाई कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो जब वो सिस्टम में हैकर उस चीज को पकड़ता है तो उसको पता है कि अगर पंकज बंसल को ये लोन चाहिए और ये डेस्परेटली हर 2 दिन 3 दिन में वो एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पर लगाने लग जाता है, वहां पे आपको एक बिहेवियर टैगिंग मिल जाती है उस कस्टमर की कि ये बंदा क्रेडिट हंगरी है। सो ये एक बिहेवियर है जो कि ऑब्वियसली इन COVID-19, बिकॉज जिस तरह का एनवायरनमेंट रहा है, काफी लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे इम्पैक्ट हुआ है, तो हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल में ये बिहेवियर काफी एग्रेसिवली भी पुल हुआ है। काफी लोगों ने ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं इंक्वायरीज के तौर पे लोन लेने के, उसमें छोटे टिकट साइज भी लोगों को चाहिए, उसकी वजह से भी ये क्रेडिट बिहेवियर हंग्री बिहेवियर जो है इंडिया में काफी पिछले 1.5-2 साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसी का एक साइड इफेक्ट मैं बोल सकता हूँ जो अभी हमारे यहाँ पे आया है कि ये एक मैनेस की तरह आइडेंटिटी थेफ्ट, 45% लोग बोलते हैं कि भैया कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, तो वो काफी बड़ा डेटा है। और मैं इस चीज से बिल्कुल माध्यम से ये बोलना भी चाहूंगा कविता जी कि अवेयरनेस एक चीज है, लेकिन अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रहा है। जैसे आज 600 ऐप बैन कर दी गई थी पिछले साल में नवंबर दिसंबर में, तो 600 लोन ऐप्स बैन कर दी, गूगल प्ले ने अपनी काफी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी हैं। सो ये चीजें रिफॉर्म होंगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक ही तरह का नजरिया होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, बैंक्स को भी अपने और लोन ऐप्स को भी अपने सिस्टम्स को रिफाइन करना पड़ेगा डेटा सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट के लेके, और कंज्यूमर्स को भी अपना अवेयरनेस रहने का प्रोएक्टिवली, बट देयर इज ये बिल्कुल। तीनों, लेकिन या, जी हाँ जी, ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ हम जब जा रहे हैं डिजिटल, उसमें तो बिल्कुल ये काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल। एक जल्दी से हम चेकलिस्ट समझना चाहेंगे रितेश से। रितेश, देखिए आजकल तो तमाम तरह के अकाउंट्स में अगर आपको लॉगिन करना हो तो आप अपने फेसबुक या अपने गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा विकल्प है जो आपको तमाम, भले आप कोई भी ऐप की बात कीजिए, लॉगिन करने का आपको एक जरिया या आसानी के रूप में ये ऑप्शन आता है। ये करना कितना सही है कितना गलत है, और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ अब ऑनलाइन हो ही चुकी है, इसे तो आप बच नहीं सकते हैं, एहतियात के रूप में खासतौर से आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिहाज से आप क्या क्या चेकलिस्ट होंगे, क्या क्या वो थंब रूल्स होंगे जो आप रेकमेंड करेंगे रितेश? ठीक है, तो पहले आप जो लॉगिन्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप सिंगल साइन ऑन की बात कर रहे हैं कि गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना प्लीज खुद का मतलब ओटीपी बेस्ड जो है, अभी काफी सारा ओटीपी बेस्ड हो गया ऑथेंटिकेशन, आप उसके थ्रू कीजिए। वो एक चीज हो गई है। दूसरा चीज है, कंपेयर टू वेबसाइट्स, जो मोबाइल ऐप्स है, बैंक्स के जो ऐप्स है वो ज्यादा सिक्योर रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिशिंग के चांसेस काफी लो रहते हैं, अनलेस आपने एक फेक ऐप डाउनलोड कर लिया, वो भी कोई गूगल प्ले स्टोर या
ऐप स्टोर के बाहर से, वो तो आप करेंगे नहीं। तो आप जो करेंगे प्रॉपर वाला ऐप डाउनलोड करेंगे, आईसीआईसीआई एसबीआई एचडीएफसी जो भी बैंक का, तो ऐप्स आर मच मच सेफर कंपेयर टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट। थर्ड चीज जो मैडम बोल चुकी है कि जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है ना, उनको आप सेव मत रखिए, सेव मत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स और पिन्स कॉन्टैक्ट्स में मत सेव कीजिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि आधार पैन और ये चीज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड, ये अपने कॉन्टैक्ट्स में भी सेव करते हैं। और आप जिस चीज को देखो, आप कोई भी, आप लोग को समझना पड़ेगा ये एक ऐप एप्स ऐसी चीज होती है कि वो जैसे आपके मोबाइल में आ जाता है उसको हर चीज की खबर पड़ जाती है आपके फोन पे क्या हो रहा है, इतना तक कि वो आपका कैमरा को भी ऑन कर सकता है, आपका स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो इसके लिए ये सारी चीजों को आप, इससे अच्छा एक ऐप लॉकर लगाइए या तो आप डिजी लॉकर में अपने ये सारे चीजों को स्टोर कीजिए। सो पासवर्ड्स डेफिनेटली ये अलग होने चाहिए आपके अलग अलग चीजों के लिए। और कहीं पे भी इतना समझ लेना, क्योंकि क्यूआर कोड का जमाना है, पैसा रिसीव करने के लिए ना आपको कोई कोड स्कैन करना है, ना ही कोई लिंक पे क्लिक करना है, ना ही कोई पिन पे डालना है, क्योंकि ये ऑफ लेटली ये फ्रॉड्स बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। और लास्टली बिफोर आई से बाय टू यू, केवाईसी फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको आ रहे होंगे मैसेजेस कि आपका एमटीएनएल बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला है, वोडाफोन बंद होएगा, एयरटेल बंद होएगा। कोई भी उस नंबर पे फोन करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कुछ भी हो, आपके सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कीजिए और उसको भी गूगल मत कीजिए, उनके वेबसाइट पे जाके नंबर निकाल के कॉल कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर साइबर सेफ एटिकेट्स का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी ना, उतना ही आपको हैकिंग और फ्रॉड के जो मामले हैं वो आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जागरूकता हो, और इस जागरूकता को आप अपने अपनों में फैलाएं और एक साइबर सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और मुझे भी कंज्यूमरिस्ट किंग के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार। We'll be right back.